नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं कालीबंगा की। कालीबंगा राजस्थान के हनुमानगढ़ जिले का एक प्राचीन एवं ऐतिहासिक स्थल है। यहाँ पर हड़प्पा सभ्यता के बहुत दिलचस्प और महत्वपूर्ण अवशेष मिले हैं। कालीबंगा पीलीबंगा से मात्र 5 किलोमीटर दूर है। पीलीबंगा हनुमानगढ़ जिले का एक तहसील व विधानसभा क्षेत्र है। पीलीबंगा में बीकानेर तथा हनुमानगढ़ से सीधी रेल सेवा उपलब्ध है और यह शहर सड़क मार्ग से भी जुड़ा हुआ है। कालीबंगा की खोज 1952 में अमलानंद घोष ने की थी। उसके बाद बीबी लाल और बीके थापर ने यहाँ पर 1961 से 1969 तक उत्खनन किया। कालीबंगा पंजाबी भाषा का शब्द है, जिसमें पंजाबी भाषा में बंगा को चूड़िया कहा जाता है। खुदाई में काले रंग की चूड़िया मिली थी, इसलिए इस जगह को कालीबंगा कहा गया। कालीबंगा में खुदाई के दौरान 26 फुट ऊंचे टीलों से प्राप्त अवशेषों से पता लगता है कि लगभग 5000 वर्ष पूर्व यहाँ सरस्वती नदी के किनारे हड़प्पा कालीन सभ्यता फली फूली। यह जगह प्राचीन काल में सरस्वती नदी के किनारे स्थित थी। सरस्वती नदी की एक शाखा गग्गर के रूप में अभी भी यहाँ बह रही है। मोहनजोदड़ो से हड़प्पा के बाद कालीबंगा हड़प्पा संस्कृति का तीसरा सबसे बड़ा नगर सिद्ध हुआ। कालीबंगा में खुदाई के दौरान प्राप्त अवशेषों में तांबे से निर्मित औजार, हथियार व मूर्तियां मिली है, जिससे साबित होता है कि मानव पाषाण युग से ताम्र युग में प्रवेश कर चुका था। कालीबंगा में सिंधु घाटी सभ्यता की मिट्टी से बनी मोहरें मिली है, जिन पर वर्षव व अन्य पशुओं के चित्र के साथ त्रैधव लिपि में अंकित लेख मिले हैं, जिसे अभी तक पढ़ा नहीं जा सका। यह लिपि दाएं से बाएं लिखी जाती थी। यहाँ पर खुदाई में मिट्टी से बनी मूर्तियों के अलावा पशु पक्षी बैल व बंदर की मूर्तियाँ भी मिली है। मिट्टी के विभिन्न प्रकार के छोटे बड़े बर्तन भी प्राप्त हुए हैं, जिन पर चित्रांकन भी किया गया है। यहाँ पर स्त्री व पुरुषों के कांच, सीप व शंख से निर्मित आभूषण भी मिले हैं। मोहनजोदड़ो व हड़प्पा की भांति कालीबंगा में भी सूर्य से तपी ईंटों से मकान, दरवाजे, सड़क व नालियां बनी हैं। धातु व मिट्टी से बने खिलौने भी हड़प्पा की भांति यहाँ मिले हैं, जो बच्चों के मनोरंजन के प्रति आकर्षण को प्रकट करता है। सिंधु घाटी सभ्यता के अन्य केंद्रों से भिन्न कालीबंगा में एक विशाल दुर्ग के अवशेष मिले हैं। साथ ही यहां पर एक नर कंकाल भी मिला है, जिसे बर्तनों के साथ दफनाया गया था। कालीबंगा के अंदर भारतीय पुरातात्विक विभाग द्वारा एक म्यूजियम का निर्माण करवाया गया है, जहां पर इस सभ्यता के अवशेष रखे गए हैं। दोस्तों, कालीबंगा के बारे में अगर आपको यह हमारा वीडियो पसंद आया हो तो हमारे वीडियो को लाइक कीजिए, साथ में हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।